मुरादाबाद में औषधि विभाग द्वारा लगातार नशीली दवाइयों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग को एक बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। मुरादाबाद के जयंतीपुर में क्लिनिक पर भारी संख्या में नशीली दवाइयां बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस के साथ औषधि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पर 7 से 8 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद कर ली गई हैं। विभाग का ये कहना है कि लगातार छापेमार कार्रवाई में विभाग को सफलता मिल रही है। मुरादाबाद में लगातार नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद संबंधित विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही की है। ड्रग्स विभाग की टीम ने नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा, भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। मुरादाबाद जनपद के मंझोला थाना क्षेत्र जयंतीपुर में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। ड्रग्स विभाग की टीम ने मंझोला थाना पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र में छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान एक नर्सिंग होम में नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। इस अवैध नर्सिंग होम में भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि अवैध नर्सिंग होम की आड़ से नशीली दवाइयों का अवैध रूप से कारोबार चल रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रजिया हेल्थ केयर पर ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही की है, जहां से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। इस अवैध हेल्थ केयर की आड़ में नशीली दवाइयों का कारोबार चल रहा था और वो बिना लाइसेंस के संचालित था। आज मुख्यतया इस क्षेत्र में शिकायत आ रही थी कि लोग नशे के इंजेक्शंस और दवाइयां जो है वो आपूर्ति कर रहे हैं और लुका छुपी करके गुपचुप तरीके से इंजेक्शन की बिक्री कर रहे हैं। हालांकि हम लोग काफ़ी पिछले हफ्ते से 10-15 दिन से कई मेडिकल स्टोर पर जाँचें भी की हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर पता चला कि कुछ लोग जो है छपा के उन दवाइयों को आपूर्ति करते हैं, दाएं बाएं से दवाइयों को इंजेक्शंस को देते हैं। नशेड़ियों की प्रवृत्ति इस समय बढ़ रही थी, लेकिन सुराक्षी की है। कुछ मुखबिरों को हम लोगों ने क्षेत्र में लगाया है। हमारे प्रवीण कुमार जी जो चौकी इंचार्ज हैं, इनका एक सराहनीय प्रयास है। इन्होंने निशानदेही पर कई लोगों को लगाया और सफलता आज मिल पाई है। इसी वजह से मिल पाई है कि ये इंजेक्शन जो आपूर्ति कर रहा था, किस प्रकार से इंजेक्शन लोगों तक पहुंच रहे थे, आज सवेरे जैसे ही दबिश दी काफ़ी मात्रा में, एक क्लिनिक की आड़ में ये व्यक्ति जो है मोहम्मद जाकिर, क्लिनिक की आड़ में एक बोर्ड लगाए हुए हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में देख रहा हूँ। इनको औषधि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक नारकोटिक प्रकार की औषधियाँ हैं जो कि सिर्फ नशे के रूप में प्रयोग की जा रही हैं लोगों द्वारा। इसमें मैं देख रहा हूँ डाइजीपाम इंजेक्शन भी है, वो प्रीनोरफिन भी है, पेंटाजोसिन इंजेक्शन है, एवेल इंजेक्शन है। तो जितने भी प्रकार की दवाइयां हैं अमूनन ये सब चिकित्सीय के प्रयोग में उपयोग होती हैं, लेकिन इनको नहीं सरोकार है इस चीज़ से कि हमें चिकित्सा में देना है क्या करना है। इनको सिर्फ नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने का इन्होंने एक दुष्कर्म किया है, ये बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध किया है इनके द्वारा। और मैं समझता हूँ ये जो दवाइयाँ हैं, 16 प्रकार की दवाइयाँ इनसे बरामद हुई हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी जनरेशन को ये शायद नुकसान पहुँचा सकते थे, आज बड़ी सफलता मिली है। प्रवीण कुमार जी का विशेष सहयोग है इसमें। हमारे साथ औषधि निरीक्षक रामपुर ने भी आज, चूँकि बड़ी काफ़ी मात्रा थी, और औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा हैं, राजेश कुमार जी हैं, अमरुआ से हमने भी इनको कार्रवाई में सहयोग के लिए बुलाया है। आप देख रहे हैं काफ़ी पैकेट बरामद हुए हैं, 16 प्रकार की दवाइयां हैं, 7-8 लाख रुपए की दवाइयां हमने अभी इसको कैलकुलेट किया है। तो सर ये कहाँ जयंतीपुर में किस जगह मेडिकल चलाता था, क्लिनिक किस नाम से चलाता था? इसका कोई भी लाइसेंस नहीं है, सिर्फ आड़ में छुपे रूप से किसी गली के अंदर, बहुत पतली गलियों के अंदर इन्होंने एक मकान किराए पे ले रखा है, वहाँ एक क्लिनिक का बोर्ड लगा रखा है। उस क्लिनिक में हो सकता है, ये भी बता रहे हैं लोग, कि नशे के इंजेक्शन ही लोगों को इंजेक्शन के रूप में ही चिकित्सा का काम कर रहा है, ऐसा पता लगा है वहाँ। आगे क्या कार्रवाई कर रहा है आपका विभाग? देखिए इसमें काफ़ी हम इससे पूछताछ, अभी गहन पूछताछ भी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ इसको कहाँ से मिल रही थी। जैसे ही हमें गहराई से पता लग पाएगा, हमारी अग्रिम कार्रवाई तत्काल उस फर्म, उस पार्टी के खिलाफ होगी। कहाँ आपूर्ति कर रहा था अभी ये भी बताने से मुकर रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की दवाइयों को बढ़ावा बिल्कुल कतई नहीं दिया जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त होंगे कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।